अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक यहाँ पर आके चलने से पहले मैंने सोचा कि मैं आपको एक नई क्लास के बारे में भी इंट्रोड्यूस करा दूँ शार्प मैथ जो है वो एक नई क्लास है लाइक अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको पता होगा कि मैथ का इतनी ज़्यादा नहीं होती लाइक मैक्सिमम फाइंड करने के लिए मिनिमम फाइंड करने के लिए हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई ना कोई लाइब्रेरी बनी हुई थी तो यहाँ पर भी सी शार्प में भी एक क्लास बनी हुई है मैथ नान की उसके थ्रू आप इजीली डायरेक्ट फंक्शंस को कॉल करो और मैक्सीम मिनम फाइन कर इंस्टेड ऑफ़ यूजिंग दैट टिफिकल मेथड के आप दो नंबर्स लगाओ फिर कंडीशन लगाओ कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है फिर उसमें से आपको बड़ी मिलेगी फिर आपको पता चलेगा कि ये मैक्सिमम वैल्यू थी तो आप डायरेक्ट डॉट मैक्स का फंक्शन कॉल करो और इसीलिए यूज करो क्योंकि बनाया गया ना ऑलरेडी तो यहाँ पर भी एक क्लास बनाई है मैथ नाम से आप सिंपल आपने मैक्सिमम यूज़ करना है मैथ डॉट मैक्स अंदर दो वैल्यूज जो है वो डाल दो चटका मैक्सिमम ढूंढना है देन मैथ डॉट मिन है मिनिमम वैल्यू डूट देगा मैथॉट स्के रूट है अंदर वैल्यू डाल दो तो जिस वैल्यू का भी आप स्के रूट चाहते हो वो उसका स्के रूट रिटर्न करके दे देगा मैथ डॉट प्रॉट एप से रूट क्या करते हैं आपके जितने भी नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं उनको रिटर्न करा देते हैं पॉजिटिव वैल्यूज़ करते हैं ठीक है लाइक मोस्ट ऑफ़ द आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हो ना तो आपको कुछ कई दफ़ा इशू होता है कि कहीं नेगेटिव आंसर ना आ जाए नेगेटिव आंसर से आपकी वैल्यू पर इफेक्ट पड़ा होता है तो आप क्या चाह रहे होते हो कि आप उस नेगेटिव को किसी ना किसी तरह इग्नोर करा दो तो आप एब्सोल्यूट का फंक्शन यूज़ करते हो उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करके आपको एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करा देते हैं राउंड का फंक्शन होता है जो कि आपको राउंड ऑफ करके वैल्यूज को रिटर्न करा देते हैं लाइक नियरेस्ट होल नंबर बता देते हैं नाइन पॉइंट नाइन नाइन है तो वो ऑटोमेटिकली इसको टेन कर देगा नाइन पॉइंट थ्री है तो ऑटोमेटिकली इसको नाइन कर देगा तो वो ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ कर देता है ये सिंपल मैथ का काम है ठीक है तो ये सिंपल बस बेसिक सी छोटी सी क्लास है जिसको बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन और मैथमेटिकल फंक्शन जैसे बहुत ईजिली हो सकते हैं